एक जंगल में एक कौवा रहा करता था। वह अपने जीवन से बहुत परेशान रहने लगा। उसकी परेशानी का कारण कुछ और नहीं बल्कि उसका काला रंग ही था। जब भी वह जंगल के अन्य पक्षियों को देखता तो यही सोचता कि भगवान ने मुझे ही ऐसा बनाया और सबको सुंदर। यह सोच सोच कर उसने अपनी भावनाओं को कुंठित कर लिया। एक दिन वह अपने भोजन की तलाश में यूं ही इधर उधर भटक रहा था। उड़ते उड़ते वह एक तालाब के पास पहुंच गया। वहां उसने एक सफेद और सुंदर बत्तख को देखा। उसे फिर से अपने काले होने का एहसास हुआ। अब कौवा नीचे बत्तख के पास आया। बत्तख के पास जाते ही कौवा उससे बोला, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारा रंग सफेद है। बत्तख यह सब सुन रही थी। फिर वह कौवे से बोली, हाँ मैं सफेद तो हूँ, लेकिन जब मैं तोते को देखती हूँ तो मुझे अपने इस सफेद रंग से गुस्सा आता है। बत्तख की बात सुनकर वह कौवा वहाँ से चला गया और कुछ समय बाद वह तोते के पास पहुँचा। कौवा तोते से बोला, तुम्हारा रंग तो बहुत सुंदर है, तुमको यह देखकर बहुत अच्छा लगता होगा। कौवे की बात सुनकर तोता बोला, हाँ मुझे लगता तो अच्छा है कि मैं इतना सुंदर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ हरा हूँ और जब कभी भी मैं मोर को देख लेता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मोर बहुत खूबसूरत है और उसके पास बहुत सारे रंग है। कौवे को लगा यह बात भी सही है, क्यों ना अब मोर के पास ही चला जाए। वह कौवा जंगल में मोर को ढूंढने लगा, किंतु उसे मोर नहीं मिला। फिर वह कुछ दिन बाद एक चिड़ियाघर में जा पहुँचा, जहाँ उसे मोर दिख गया। लेकिन मोर को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी, तो कौवे ने उन लोगों के जाने का इंतजार करने लगा। जब वे सब लोग चले गए तो कौवा मोर के पास पहुँचा और मोर से बोला, वाह मोर, तुम तो सच में बहुत खूबसूरत हो, तभी सब तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं। तुमको तो खुद पर बहुत गर्व महसूस होता होगा। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर मेरे अलावा इस दुनिया में कोई और दूसरा खूबसूरत पक्षी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ चिड़ियाघर में कैद हूँ। यहाँ पर सब मेरी रखवाली करते हैं, जिस कारण मैं कहीं भी नहीं जा सकता और अपने मन के मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकता। मैं भी काश तुम्हारी तरह कौवा होता तो मुझे भी कोई कैद करके नहीं रखता, और मैं भी हमेशा तुम्हारी तरह खुले आसमान में जहाँ चाहो वहाँ घूमता रहता, पर एक मोर के लिए यह सब नहीं हो सकता। कौवे ने मोर की सारी बातें सुनी और फिर वहाँ से चला गया और सारी बात समझ गया। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि हर कोई उसकी तरह दुखी और परेशान है। तो बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, दूसरों को देखकर उनके जैसे बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं के गुणों को समझकर उसी के हिसाब से अपना आचरण रखना चाहिए।